लगता है जयंती तक ये आगे भी हमारे कार्यक्रम चलेंगे और 2 अक्टूबर को जो हमारी गांधी जयंती का के अवसर आ रहा है उस पे हमारा विधानसभा का भी सत्र आगे आने वाले दिनों में 36 घंटे चलेगा जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। उसके लिए कार्यक्रम आ गया है सभी विधायक गणों के पास। हम लोगों का 11 बजे से 2 तारीख को 11 बजे सत्र शुरू होगा और 3 तारीख को रात के 11 बजे समापन होगा। वो भी एक बहुत बड़ा माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इतना लंबा सत्र चलेगा। ये सभी कार्यक्रम चल रहे हैं और आज हमारा विशेषकर माननीय मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर जगह कार्यक्रम स्वच्छता के हो रहे हैं, केक भी काटे जा रहे हैं, अन्य कार्यक्रम भी हो रहे हैं, प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं। अभी काष्ठकला में भी सीधे प्रसारण भी आएगा माननीय मोदी जी के कार्यक्रम का। एक सवाल और, सफाई अभियान हर जगह उस जगह चलाया जाता है जहाँ पहले से सफाई होती है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर कोई भी राजनीतिक पहुँचना क्यों नहीं चाहता? जहाँ तक आपका प्रश्न का सवाल है तो आप भी मीरगंज क्षेत्र में ही रहते हैं, मैं भी मीरगंज में ही रहता हूँ। यदि ऐसी कहीं समस्या है उसको आप मुझे बताएं, वहाँ मैं आपके साथ चलूँगा। अगर आज अभी आप कहेंगे मैं अभी आपके साथ चलूँगा। अभी आपने स्वयं फतेहगंज पश्चिमी के रामलीला मैदान को अपनी आंखों से स्वयं देखा है, उसकी हालत किस रूप में है? एक ढलाव के रूप में तब्दील हो चुका है जिसकी शिकायत कई बार नगर पंचायत अध्यक्ष अधिशासी अहमता यहाँ तक के कि मीरगंज SDM से भी की, लेकिन कोई सफाई कार्य नहीं हो सका। अभी जो यहाँ युवा हैं उनके लिए अभी माननीय हमारे अध्यक्ष जी फ़ोन कर रहे थे, उनका फ़ोन नहीं उठ पा रहा है, उनसे अभी इस संबंध में वार्ता की जाएगी। आप लोग भी साथ में हैं, अभी हम लोग चलते हैं देखते हैं, अगर वो बैठे हैं ऑफिस में तो ऑफिस में भी चल के देख लेंगे और इस कार्यक्रम को कराने के लिए जो यहाँ सफाई का काम है इसको प्राथमिकता के आधार पर कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे उसके लिए।